नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिशन 2030 में। और मोस्ट अवेटेड वीडियो, मुझे बहुत मैसेज आ रखे थे कि दिवाली वाली वीडियो कब बनेगी, तो मैं लेके आ गया हूँ। मैंने 5 स्टॉक आपको बोले थे, ठीक है, और 5 की जगह आप ले लीजिए गिफ्ट। मेरी तरफ से गिफ्ट है सारी जीटी फैमिली को, 10 स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिनके आप दुनिया भर में नाम सुनते होंगे कि इन्फोसिस ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, L&T ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, HCL टेक ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, रिलायंस ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, विप्रो ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, HUL ले लीजिए लॉन्ग टर्म में, एशियन पेंट ले लीजिए भैया, अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए, ऐसा एक भी स्टॉक नहीं है। ये तो दुनिया बताती है, मेरे अपने स्टॉक हैं, बाय करिए, ठीक है। सारे के सारे स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक हैं, छोटे स्टॉक हैं, नया बिजनेस है, नए एस्टेब्लिश हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5x से लेके 10x तक का रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं। इन केस आप अगर दम रखते हैं होल्ड करने का 2025, 2027 और 2030 तक रखें, तो भगवान शायद पता नहीं क्या आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा देर वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन 2030 की जो मेंबरशिप है, ठीक है, जो मेंबरशिप है मिशन 2030 की, इसको आप ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 15K हैं, उसको मैंने दिवाली वाले ऑफर में 10K कर दिया है। सपोर्ट इसमें नेक्स्ट 8 ईयर्स, मतलब 2030 तक आपको नेक्स्ट 8 ईयर्स का सपोर्ट रहेगा। फायदा क्या है इसका, बेनिफिट्स क्या है इसके, आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ऑलरेडी पैसा इसमें हमारा पहले से बन चुका है। वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है दोस्तों, तो हैंड होल्डिंग चाहिए, वहाँ पर डिस्कशन चाहिए, स्टडी ग्रुप हम मेंटेन करते, रिजल्ट को एनालिसिस करते रहते हैं, वहाँ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसमें अगर जुड़ना है, चार्जेस आर 10K, मैं बहुत ही लिमिटेड ऑफर देता हूँ, क्योंकि ये चार्जेस बहुत जेन्युइन है, 8 साल के लिए, 15 के, लोग 15 के एक एक महीने के लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, और ट्रेडिंग में क्या है, एसएल हिट जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्या, वेल्थ क्रिएट करने की। वेल्थ क्रिएट होती है जब 5x से लेके 10x तक का पैसा, मतलब आपने 1 लाख लगाया है, तो अगर आप होल्डिंग का दम रखते हैं 2030 तक, तो कम से कम 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया बनना चाहिए। इस चीज के लिए ये सर्विस शुरू की गई है, तो 15K भी कुछ नहीं है, इसलिए चलिए दिवाली ऑफर है तो 10K, मैं बहुत कम ऑफर लेके आता हूँ इस चीज के लिए, अगला ऑफर आएगा वो न्यू ईयर में आएगा, ठीक है, और फिर एक होली पे आ जाएगा, और एक बीच में कभी आ जाता है, फिर एक दिवाली पे आ जाता है। यही ऑफर रहे पिछले 1 साल में, मैं कोई ज्यादा इसमें ज्यादा ऑफर लेके नहीं आता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, इंतजार मैं आप लोग का खत्म करता हूँ, ये दिवाली गिफ्ट है मेरी तरफ से सबके लिए। 10 स्टॉक, बहुत बेहतरीन स्टॉक, स्मॉल कैप साइज की कंपनीज। सबसे पहली है RHI मैग्नीशिया, ठीक है, 713 के करीब इसका प्राइस है। मिशन 2030 के मेंबर के जिसके पोर्टफोलियो में है वो 500 के आसपास से है, ठीक है। 11,468 करोड़ की कंपनी है, ROC 36.8%, ROE 29.3%। आप बाय करिए, गिरावट अगर आपको मिलती है, इसको आप बिंदास स्टॉक को लंबे टाइम तक के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टॉक है दोस्तों गणेशा इकोस्फीयर, बहुत छोटी कंपनी है, आप माइक्रो कैप कह सकते हैं इसको, लगभग 1500 करोड़ के आसपास। ROC 11.8%, ROE 11.2%, करंट प्राइस 762, हाई 796, लो 455। जो रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को, पॉलिस्टर, एनवायरमेंटल रिलेटेड कंपनी, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, RPFS, स्पन यार्न, डाइड टेक्सटाइल्स यार्न इन इंडिया, तो अपने टाइम में एक अलग टाइप की कंपनी, ठीक है, अलग टाइप का बिजनेस है, तो मुझे काफी अच्छी लग रही है कंपनी आगे आने वाले टाइम के लिए। और मैं इसका भाव 8,000 से लेके 10,000 तक देख रहा हूँ। अगर आप इसको 5 से 7 साल मिनिमम होल्ड करने का मतलब कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, गिरावट होती है, बाय करिए। अगला स्टॉक है दोस्तों फार्मास्यूटिकल टाइप से इंडोको रेमेडीज, 339 इसका करंट प्राइस है। मिशन 2030 के मेंबर इसको 300 या 280 के आसपास से बाय करके बैठे हैं, जिन जिन के पोर्टफोलियो में मैंने इसको बाय करवाया है।
22.8% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 18.5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। बढ़िया स्टॉक की वैल्यूएशन है, यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, लगभग 3,000 करोड़ की है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है कंपनी, इसका भी प्राइस में आगे वाले टाइम में मल्टीपल रिटर्न देते हुए देख रहा हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी, 650 का इसका भाव है फिलहाल। ये तो सब जानते ही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गाड़ियों में जो यूज होने वाला है मशीन लर्निंग, उसमें कंपनी काम करती है। अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक की पी थोड़ी हाई है 56.1, और हम इसको मिशन 2030 के मेंबर इसको 500 से 550 के बीच से जिन जिन को मैंने रिकमेंड किया है उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। 21.5% 24.1%, देखिए ROE ROC अपने आप में बयां कर रही है, ठीक है। तो चार स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, पांचवा स्टॉक आता है दोस्तों आईटी की तरफ से। आईटी में आपको अभी देखिए सबकी वैल्यूएशन अच्छी दिख रही होगी, पर दाव खेलिए छोटे घोड़े पे। 102 का करंट प्राइस है, 14.7% की 14.7 की पी है, मतलब वैल्यूएशन जो है बहुत बढ़िया है। इंफोसिस टीसीएस तो लार्ज कैप कंपनी हो गई है, वो तो हाथी है, उनको हिलाना मुश्किल है, वो अपनी चाल चलती रहेंगी, बट घोड़े पे दाव लगाइए, ठीक है, जो नया नया पैदा हुआ है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 102 का प्राइस है, 220 का हाई है, लगभग वहां से 50 से 60% का इसमें करेक्शन आ चुका है। और कुछ बेकार की कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है भैया, बढ़िया कंपनी है, बाय करिए इसको, ठीक है। आईटी भी हो गया, फार्मा भी आपका हो गया, एआई भी हो गया, और आपका एक एनवायरमेंटल रिलेटेड कंपनी भी हो गई, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों इंडिया का, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। हम लोग मिशन 2030 के मेंबर इसको 180 से 200 के बीच में अपना क्या कहते हैं बाय कर चुके हैं, और 350-360 तो ये वहां से 2 से 3 महीने में चला गया था, 394 का इसका हाई है, एकदम बहुत भाग गया था स्टॉक, बट स्टॉक की वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छी है, 12.5, बेहतरीन फंडामेंटल की कंपनी है, कमोडिटी में इसका बिजनेस है, डेफिनेटली बाय बनता है। 5,900 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये देखिए आप, ये अपने आप में आपको बता रहा है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। और फूड प्रोसेसिंग, फूड एग्रो इसमें जो कंपनीज है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया काम करने वाली है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड डेफिनेटली बाय करके चलिए, डेफिनेटली सारे 10 स्टॉक बाय करके चलिए, ठीक है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो काम करने वाला है, हम मिशन 2030 के मेंबर इसको 350-330, जिसको ये तो सबके पास है, 439 चल रहा है भैया। इथेनॉल ब्लेंडिंग जितनी बढ़ती जाएगी पराज इंडस्ट्री को उतना फायदा होता जाएगा। ROE देखिए आप 17%, ROC देखिए आप 23%, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब देखिए आपको लगेगा कि मैं 439 पे ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म में तो मुझे फायदा होगा, अब आप एक चीज देखिए, जिसने इसको 300 के भाव पे उठाया है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपए लगाए, जब ये 600 का हो जाएगा उसके 10 ये 20,000 हो जाएंगे, ठीक है, जब ये 900 का हो जाएगा उसके ये 30,000 हो जाएंगे। मान लीजिए ये 3 साल लगे इस चीज को, इस प्रक्रिया को होने में 3 साल लगे। अब आप बाय करेंगे किसको, 440 पे, आपका पैसा 20 के कब होगा, जब ये 880 पहुंचेगा, तो भैया 900 के पास तो इसने 3 टाइम्स ले लिया, अब आपका पैसा 20,000 हो रहा है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में 10-10 रुपया बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, ठीक है। ये 1200 का भाव आते ही इसका 4x का रिटर्न है, आपका 4x का रिटर्न कब होगा, जब 1760 का भाव आए, इसका 1200 पे 4x का रिटर्न है, आपका 1760 पे, और 1200 से 1700 जाने में मान लीजिए इसने 2 साल और ले लिए, 1200 के भाव से 1760 के जाने पे इसने अगर 2 साल और ले लिए, आप एक तो 2 साल टाइम पीछे हो गए, ठीक है, 2 साल का टाइम पीछे हो गया आपका, ऊपर से आप प्राइस में भी मात खा गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, तो बाय कहां पे करना है वो जरूर आपको पता, यहां पे मिशन 2030 अपना काम करता है, चीप वैल्यूएशन मिली माल उठ पाया, ठीक है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल, मिशन 2030 के मेंबर्स इसको 300 से 350 400 से भी उठा के 561। भैया जो सोलर ग्लास होता है ना इंडिया के अंदर, 60 से 70% में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसकी मोनोपोली है,
और आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ आने वाला है। 7,320 करोड़ की कंपनी है, बहुत बार रिकमेंड किया है मैंने स्टॉक। 23.7% की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 27.2% की इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आरओई 23.7%, आरओसी इसमें भी डेफिनेटली आप इसको भी बाय करके चल सकते हैं। नोवा स्टॉक लेके आया हूं दोस्तों, बीएलएस इंटरनेशनल, बहुत बार रिकमेंड किया स्टॉक ने, पैसा भी डबल कर दिया, स्टॉक फिर स्प्लिट हो गया, स्टॉक फिर डबल हो गया। ये स्टॉक 200 के भाव पे मैंने रिकमेंड किया था, वहां से डबल हुआ, ठीक है, 350-360 हुआ, वहां से फिर स्प्लिट हुआ, फिर 180 के आसपास आया, और फिर 307 के। धंधा पिटा हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, क्यों? क्योंकि ये काम करती है कंपनी किसमें, जो ये वीजा एप्लीकेशन, पासपोर्ट, ये सब, और अकेली मोनोपोली है भैया, 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट प्रोवाइड सर्विस थ्रू 2325 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इसने तो दबा के रिटर्न बना के दिया है मिशन 2030 मेंबर को, मैं फिर से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। 307 स्प्लिट होता रहेगा, पैसे बना के देता रहेगा, 22.3 की ROC, 21.6% की। दो बार स्टॉक ने पैसा डबल कर दिया जिस जिसने इसको बाय किया, और जिस जिसके पोर्टफोलियो में था ये, मिशन 2030 में तो दबा के पैसा बनवाया इसने। देन लास्ट स्टॉक दोस्तों, टारसन प्रोडक्ट, ये जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, जो R&D में टूल्स वगैरह यूज होते हैं ना, ये देखिए बहुत बेहतरीन कंपनी है, अपने आप में एक अलग तरह की कंपनी है। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल, रीयूजेबल एंड अदर्स, जो R&D में करना है आपको, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बड़े बड़े जो प्लांट लगते हैं वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसकी जो लेबोरेटरीज में सामान चाहिए होता है, ठीक है, और भी बड़े बड़े जो दूसरी चीजें हैं उसमें, जो इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। इसको भी 600 से 700 के बीच में मिशन 2030 के मेंबर लेके बैठे, ठीक है। करंट प्राइस 813 है, 45 की इसकी PE है, 35.3 का मार्केट कैप, सॉरी 35.3 का ROC है, 27.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, 4,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसमें भी आप डेफिनेटली बाय करके चले। तो ये 10 मेरी तरफ से गिफ्ट थे आप लोगों के लिए, इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, इन 10 कंपनी ने आपने 1,00,000 रुपए लगा दिया, 10, डेफिनेटली आपके 4 से 5 लाख रुपए आपके 2030 तक बन जाएंगे। एक दो पिट भी गई, सारी नहीं पिटेंगे, सबकी सब आप कह लीजिए 10 रत्न मैंने आपको दे दिए, नवरत्न होते हैं ना, ये 10 रत्न है। GT के फॉलोअर्स को GT की तरफ से गिफ्ट है, बाय करके चलिए, बेहतरीन कंपनी है। मार्केट क्रैश भी होता है, नीचे भी गिरता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए है स्मॉल कैप मिड कैप, जब स्मॉल कैप मिड कैप टूटते हैं तो 50-50, 60-60, 70-70% तक टूट जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा, ये आपका फर्स्ट शोर सोल्यूशन, ठीक है, ये 60% तक गिर गया, 220 से भी 100 के आसपास है, तो क्या कंपनी बेकार है? नहीं, बिहेवियर ही ऐसा होता है स्मॉल कैप मिड कैप का, भागते हैं तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागते हैं, गिरते हैं तो फिर ऐसे गिरते हैं जैसे आसमान से कुछ गिर रहा, पर पैसा इनमें ही बनता है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनके प्राइस बिहेवियर होता है, 60-60, 70-70% तक करेक्ट हो जाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप। आपको TCS नहीं मिलेगा 60% टूटता हुआ, TCS 60% टूटा होता तो 1800 के भाव पर ट्रेड कर रहा होता, क्योंकि 4000 का शायद उसका हाई, ठीक है, 60-70%। बट ये मिड कैप है तो ये सबसे ज्यादा टूटते हैं, बट पैसा भी तो इसी ने बना के दिया है। 40 और 60 के बीच में घूमता था ये स्टॉक, 220 तक गया था कोविड के बाद, देख लीजिएगा। तो ये है दोस्तों मेरी तरफ से, इनकेस आपको मिशन 2030 ज्वाइन करना है, दिवाली का ऑफर है, दिवाली शायद 24 की है या 25 की है, 25 अक्टूबर तक का ये ऑफर है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हम ऐसे ही स्टॉक ढूंढते रहते हैं और पकड़ के उनको बैठ जाते हैं। लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू होता है, कुछ मुझे बिल्कुल ही लगता है कि मार्केट गया तो मैं वहां पे सजेस्ट भी करता हूं कि प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, जिसको प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक करिए, नए स्टॉक और भी आते रहेंगे, नए स्टॉक बाय करते रहेंगे। मेन एम क्या है? वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।